फाइनली राइड पर निकलने का टाइम आ गया है, तो पैकिंग शुरू की जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। राइड पर निकलने से पहले आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या सामान मैं कैरी कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं अपनी बाइक के ऊपर लोड करूंगा, और बाइक का चेकअप भी करना जरूरी है। बाइक चेक करने से याद आया कि मेरे को मोबाइल माउंट चार्जर चेंज कर रहे थे, बिकॉज कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमियां उनके अंदर आ रही थी। तो काफी लंबे समय से मैं ढूंढ रहा था कोई बेस्ट मोबाइल माउंट चार्जर मिल जाए, तो फाइनली मुझे मिल गया। इस चार्जर के अंदर जितनी भी खूबियां हैं मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, क्योंकि सेम जैसा मुझे चार्जर चाहिए था वो इसके अंदर अवेलेबल है। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है। बट मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसको अनबॉक्स करते टाइम मेरे को ये जितने भी रैपर्स हैं ये सारे मेरे को डस्टबिन में डालने पड़ेंगे, क्योंकि यू नो मम्मी की चप्पल कभी भी आ सकती है, और एक मैरिड पर्सन होने के नाते तो आप समझ ही सकते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको ओपन करते हैं। फाइनली मुझे मिला है बोबो मोबाइल माउंट चार्जर विद 3.0 फास्ट चार्जिंग यूएसबी पोर्ट। बोबो मोबाइल माउंट चार्जर कम्स विद एल्युमिनियम बॉडी और जो बहुत ही अच्छी हैवी ड्यूटी में बनाया गया है, और सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसको हम 360 डिग्री रोटेशन में भी घुमा सकते हैं। और बात करते हैं इसके यूएसबी पोर्ट की, तो इसका यूएसबी पोर्ट का ऑन ऑफ का जो स्विच है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर दिया गया है, क्योंकि जो अदर मोबाइल माउंट चार्जर में आते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट आते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। बोबो मोबाइल माउंट चार्जर के साथ आती है दो तरह की क्लैंप। फर्स्ट, एक तो आप अपनी बाइक में इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास बाइक के हैंडल में जगह नहीं है, या फिर अगर आप स्कूटर या स्कूटी यूज कर रहे हो, तो स्कूटी का जो रियर मिरर है उसको अनइंस्टॉल करके उसके अंदर ये वाली क्लैंप लगा के आप अपने स्कूटर के मिरर को टाइट कर दीजिए, तो इजीली ये मोबाइल चार्जर वहां पे भी इंस्टॉल किया जा सकता है। और यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए साथ में दिए गए हैं दो तरह के वायर, रेड और ब्लैक। तो आप इस वायर को खुद ही घर में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको बाहर मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग मुझे ये लगी कि इसकी 30 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी है। अगर आपका पैकेज डैमेज होता है या फिर कोई भी पोर्ट्स या कुछ भी चीज़ ख़राब होती है, तो आप 30 डेज के अंदर इसको रिप्लेस करा सकते हैं, और साथ में 1 ईयर की वारंटी भी दी जा रही है कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप इसको ठीक भी करवा सकते हैं कंपनी के थ्रू। और अगर सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो बोबो मोबाइल माउंट चार्जर के अंदर अलग से ये फ्यूज़ दिया गया है, एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी दिया गया है, और वायर के अंदर यहाँ पे कनेक्टिविटी भी दी गई है, जिसको अगर हम रोटेट करके खोलेंगे तो यहाँ पे ये फ्यूज़ लगा हुआ है। बाय चांस अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होता है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो आपका मोबाइल हार्मफुल नहीं होगा, बीच में से ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। साथ में अलग से एक फ्यूज़ भी दिया गया है कि अगर ये ख़राब हो जाता है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सेफ्टी पर्पज़ का भी ध्यान रखा गया है, जो काफ़ी सारे चार्जर्स में नहीं आता है। और दो अलग से बेल्ट वाली टाई दी गई है कि आप अपनी वायर्स को अच्छे से दबा सको। और साथ ही में इसके अंदर जो मोबाइल अटैच किया जा सकता है, मैं यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का J7 मैक्स, और इसकी जो कैपेसिटी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस दिया गया है। और साथ ही में जो इसके नीचे की तरफ देखेंगे दो कर्व दिए गए ताकि फ़ोन नीचे से स्लाइड ना हो जाए बाइक राइडिंग के टाइम पे। और मैं लगा के दिखाता हूँ अपना मोबाइल को, ये देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से मेरा मोबाइल फिक्स हो गया है, और चारों तरफ से मतलब कहीं हिलके गिरने का कोई टेंशन ही नहीं है। अगर आपको ये परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। साथ में अवेलेबल है कूपन कोड, अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो फ्री शिपिंग आपको मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कूपन कोड का फायदा उठाओ और
वोपो मोबाइल माउंट चार्जर खरीद लो, फिर दोबारा मत पूछना मुझसे कि सैम भाई कोई अच्छा मोबाइल माउंट चार्जर हमें बताओ, क्योंकि इससे बेटर मुझे अभी तक नहीं लगा जो जो इसके फंक्शन है। बाकी राइड करेंगे तो राइड पे मैं आपको इसकी डिटेलिंग अच्छे से देता रहूँगा। ऑलराइट, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या क्या सामान कैरी कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लैपटॉप यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाले आइटम से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। और उसके बाद कपड़े के बारे में बात करेंगे और छोटी मोटी चीज़ें जो मैं दिखाने वाला हूँ। बाकी कुकिंग सेट तो आपको पता ही है कि मैं अपना गैस चूल्हा और रेडीमेड फूड और कुछ यू नो ग्रोसरी चाहिए होते थे वो बीच रास्ते में से खरीद ही लेता हूँ। तो अभी मैं आपको मेन चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या मैं कैरी करने वाला हूँ इस वाले ट्रिप पर, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीज़ें नई मैंने ऐड भी की है तो वो आपको ब्लॉग्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक आइटम से। हमेशा की तरह मैं अपना आईपैड कैरी कर रहा हूँ, लैपटॉप, एक पावर बैंक, एक हार्ड डिस्क, इधर हो गए अपने मेमोरी कार्ड एंड यूएसबी, एक आपका स्पीकर हो गया ब्लूटूथ, एक आपका ईयरफोन हो गया ब्लूटूथ, फिर उसके बाद अपना एयरटेल का 4G हॉटस्पॉट, यहाँ सारी डेटा केबल्स आ गई है, चार्जर्स आ गए हैं और ये मोबाइल फ़ोन के चार्जर से चार्ज होगी डबल ए बैटरी प्लस बिजली वाला भी ले लिया है तो 6 बैटरी ये मैं कैरी कर रहा हूँ। और एक टॉर्च हो गई, अपने डबल पोर्ट वाले दो मोबाइल फ़ोन चार्जर, दो सिंगल पोर्ट वाले मोबाइल चार्जर, अपना ब्लूटूथ, इधर आते हैं ये 3 LED बल्ब, इसकी वायर टूट गई तो इसको मैं रिपेयर करा लूँगा बीच में से कहीं से, और ये अपनी फ्लैश लाइट जो अपने कैमरे के ऊपर लगेगी, साथ में एक छोटा सा USB बल्ब जो हमेशा काम आता है, ये अपना ड्रोन का चार्जर हो गया, ये अपना ड्रोन सेटअप हो गया पूरा। प्लस अब इधर आते हैं तो अपना टाइम लैप्स जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया बट इस बार मैं कोशिश होगी कि इसे यूज़ करूँ। 50mm लेंस, तो ये टी एंगल है अपना माइक और वो लगाने के लिए LED वाली लाइट, ये वाली लाइट, साथ में GoPro का चार्जर और दो बैटरीज, एक बैटरीज एक्स्ट्रा है, अपने दो GoPro हो गए, इसके माउंट्स हो गए, प्लस ये अपना कैनन वाला जो DSLR यूज़ करें Mark 200D उसका चार्जर और एक एक्स्ट्रा बैटरी हो गई, प्लस एक सेल्फी स्टिक होगी ट्राइपॉड वाली GoPro की, एक ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, साथ में ही अपने दो मोबाइल फ़ोन जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, एक बड़ा ट्राइपॉड हो गया, एक आपका गिम्बल हो गया। सो ये सारी चीज़ें थी अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वाली जो मैंने आपको दिखा दिया जिसे मैं सारा कैरी करने वाला हूँ, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। और छोटा मोटा आइटम है जो अभी मेरे माइंड से निकल रहा था, जब मैं पैकिंग करना स्टार्ट करूंगा और जो मैंने लिस्ट बनाई होती है उसके अकॉर्डिंगली चेक करूंगा तो सब कुछ निकल आएगा। अब आते हैं इसके बाद कपड़ों के ऊपर कि मैं कौन कौन से कपड़े कैरी कर रहा हूँ। ये मेरे स्नो वाले कपड़े जो -10 डिग्री में काम करते हैं, ठीक इसके नीचे मेरे ये रेन वाले कपड़े जो मैंने रेन के लिए लिए हुए हैं, साथ में ही मैंने अभी ये नए शूज़ परचेज किए थे क्योंकि ट्रैकिंग और हाइकिंग के टाइम पे पहाड़ों में चलना थोड़ा मुश्किल होता तो ये मैंने अभी नए शूज़ लिए हैं। प्लस अपना एयरबैड हो गया, एयर पिल्लो हो गया और इसको फिल करने के लिए ये अपना पंप हो गया। ठंड से बचने के लिए ये मैंने दो लेयर्स कैरी किए हैं, एक आपकी सिंगल अमूल वाली कैरी की है और मैंने एक हैवी वाली डिकैथलॉन से परचेज की थी। साथ ही मैं 2-3 टी-शर्ट हो गई, 2 जीन्स हो गई, 1 शर्ट हो गई और अपने इनर गारमेंट्स हो गए, यहाँ मैंने कम रखे, अभी 2-3 जोड़ी इनर गारमेंट्स और कैरी करूँगा, प्लस अपनी एक टॉवल हो गई और एक अपना गर्म टी शर्ट हो गया और साथ में ये हो गया अपना एक हाइकिंग और ट्रैकिंग वाला बैग। और इस तरफ मैंने रखा हुआ ये अपना टेंट वगैरह जो इस तरीके से पैक रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं कैरी करने वाला हूँ। और किचन सेट में तो आपको पता ही है, एक आपका गैस चूल्हा हो गया, तो ये अपने एग कैरी करने वाली ट्रे हो गई जिसके अंदर एग कैरी करता हूँ, प्लस अपना मसाले वाले बैग। और इस बार मैंने एक छोटा सा चूल्हा भी ऑर्डर करके मंगाया है, तो कभी कभी क्या होता है कि बस सिंगल कुछ छोटा मोटा बनाना होता है या फिर हाइकिंग ट्रैकिंग पे जाना होता है तो इतना बड़ा चूल्हा कैरी नहीं कर सकते, तो इसलिए ये मैंने मंगाया है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी बाइक के अंदर रखने वाला हूँ और किस तरीके से रखूँगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो जितना भी ये कैमरे वाला सामान है ये सारा कैमरे वाला सामान जाएगा टैंक बैग में, लैपटॉप जाएगा और मेरा आईपैड जाएगा पैनियर्स में जो इन स्नो वाले कपड़ों के बीच में लपेट कर मैं रखूँगा, और वो वाले कपड़े भी इसी के साथ में आएंगे, जो छोटे मोटे एसेसरीज होती हैं ये भी उसी पैनियर्स के अंदर आ जाएंगी। सेकेंड पैनियर्स के अंदर मैं डालूँगा ये वाले कपड़े और साथ में डालूँगा छोटे मोटे वो वाले कपड़े और छोटी मोटी एसेसरीज है वो सेकेंड पैनियर्स में आ जाएगी। उसके बाद जो किचन का पूरा सेटअप है वो जाएगा अपने टॉप बॉक्स में,
तो ये सारा सामान एज इट इज इंस्टॉल हो गया। बात रही शूज की, जो मेरे आगे एम्पाउचर लगे उसके अंदर एक तरफ पेट्रोल आता है और एक तरफ वाटर बॉटल्स आती हैं, तो एक वाटर बॉटल मैं निकाल दूंगा उसकी जगह डाल दूंगा ये वाले शूज, और टेल शीट पे जो पीछे वाली सीट है उसके ऊपर अपना टेल बैग आ जाता है, तो उसके अंदर अपना पूरा कैंपिंग का सामान आ जाएगा, एयरबैड आ जाएगा, अपना स्लीपिंग बैग आ जाएगा, टेंट आ जाएगा, तो ये सारा सामान वहाँ सेट हो जाएगा। अब बात रही अपनी फूड की, तो जो हम पैनियर के ऊपर ब्लैक पर्पल के बैग लगाते हैं तो उसके अंदर अपना फूड आ जाएगा सारा, और जो टॉप बॉक्स के ऊपर भी एक बैग लगाते हैं उसके अंदर सारे इनर गारमेंट, टॉवल, ये सारी चीज़ उसके अंदर आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये सारा सामान मैं कैरी करने वाला हूँ। तो ये सारा सामान मुझे अभी बाइक के ऊपर सेट कर रहे हैं और लगभग अभी बज गए रात के 12, तो अर्ली मॉर्निंग मेरा निकलने का प्लान है, तो अभी इसको लगाते लगाते अभी मुझे कम से कम एक घंटा लग जाएगा, और अगर मैंने इसको व्लॉग में शूट किया तो समझ लो मेरे को 2 घंटे लग जाएंगे इन्हें लोड करने में। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगले व्लॉग में दिखा दूंगा कि किस तरीके से अपनी बाइक दिख रही थी। फटाफट करते हैं यार, अर्ली मॉर्निंग में निकलना भी है, आपके लिए एडवेंचर वाले वीडियोस भी बनाने हैं, तो अगले व्लॉग में देख लेना और कंटिन्यू बने रहना, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू बने रहोगे तभी ये वाली सीरीज़ आपको समझ आएगी, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं बहुत ही अलग अलग चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो बने रहना इस वाली सीरीज़ के अंदर, और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जितने भी नए भाई लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना जाना मत। कोशिश मेरी पूरी है कि मैं आप लोगों को अच्छी वीडियो दिखा सकूं, और जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तब तक तो मैं निकल चुकूंगा राइड पर। तो जिन लोगों ने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि लाइव अपडेट्स मैं वहां डालता रहूंगा, आप लोगों को आइडिया लगता रहेगा कि मैं कहां पे किस टाइम क्या कर रहा हूं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और अभी स्क्रीन के ऊपर आ भी रहा होगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय।